आज जो हमने रैली निकाली है ये मोदी जी की नीतियों के समर्थन में निकाली है। जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 बिल पास किए हैं किसानों के लिए, हमारे सारे किसान भाई उस समर्थन में आज सड़कों पर उतरे हैं। आज आपने देखा जो दिल्ली के अंदर गाजियाबाद वाला बॉर्डर और अंबाला रोड वाला जो बॉर्डर है, टेहरी पादर क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो मुझे लगता है वो कांग्रेस की देन है। वो कांग्रेस की हादसा दिखती है, हताशा दिखती है, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बेचारे किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं। वह आपने देखा वो इमानुल्लाह जी बैठे हैं या जोगिंदर यादव जी, वो मुझे समझ जाते जो JNU में नारे लगाते हैं वो आज किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। उन्हें क्या पता किसानों को खाद कब चाहिए, बीज कब चाहिए, कौन सा खाद कब लगता है। तो इसलिए हमारे जो किसान हैं, हमारे खासकर मेरे मढ़ के जम्मू कश्मीर के जितने किसान हैं, ये मोदी जी की नीतियों के साथ हैं, मोदी जी के साथ जिएंगे, मोदी जी के साथ मरेंगे। जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनको क्या कहते हैं भैया? वो तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए वो किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं। तो वो किसान आपने मैंने वही बताया जोगिंदर यादव जैसे लोग, क्या आप किसान बोल दें उनको? वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, वो किसान थोड़ी हैं। वो देखो वो उनका सीधा डायरेक्ट उनके साथ क्या नाम है अपने कनाडा वालों के साथ उनका लिंक है, वहाँ उनके समर्थन में लोग उठ रहे हैं। वो सब कांग्रेस इनकी देन है और कुछ ऐसे अंश घुसाए हैं जो एंटी नेशनल है और पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है, उस लोग उनमें घुस रहे हैं और वो किसानों को भड़का रहे हैं।